दोस्तों मैं थोड़ा भरा मियां मोहम्मद रसूल बट्टू तो तुम वेख सकते हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, जिस तरीके मैं अपने वीर भरावान को सैलाब की सूरत हाल के बारे आगाह करदा, तो दो चार दिन तो मैं दसिया नहीं क्योंकि पानी तकरीबन नॉर्मल सी, पानी हाली भी नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल के नाल पिछे तुम वेख सकते हो भी किस तरीके इसने दराज का एक पिंड है उत्थे डाह लाई हुई है, तो बहुत ही खतरनाक है, इंझ लगता जिवें सारे सतलुज का पानी इतने इकट्ठा हुआ है, तो बिल्कुल पिंड नूं डिग जांदा। नहीं नहीं मियां साहब, इतने पांच सत्त घर इतने डिग चुके हैं, जी जगह है ना डिग चुके हैं, तो मियां साहब का कहना है भी पांच सत्त जड़े ने घर डिग पे ने, तो मजीद डिगी आता है, तो यह कैमरा मैं विखा सकता है, देख सकते हो परले ही साइड कमरे एक डिग गए, छत्तों का समान या जो भी उन्होंने दिखी आता पे कढ़ते पे ने। तो मैं पहले तुम्हें सैलाब की पोजिशन दस लवा कि हैड गंडा सिंह के मुकाम से जड़ा जी रिपोर्ट मेरे तक पहुंची है वो तो है हौसला अफजा, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल इतों की है ना ये हौसला अफजा नहीं हैगी, बड़ी खतरनाक है। तो हैड गंडा सिंह के मुकाम से 17.50 फिट गेज हैगी है, मतलब उत्थे पहले दिन नस्बत घटिया हुआ है, तो अखराज जोड़ा है उत्तों पानी निकलता पाया 34,400 क्यूसिक है। तो इस तरीके आप हैड सुलेमान कि आ जाने तो उतों की जी जी पोजिशन है अपस्ट्रीम वाली साइड की जी गेज है 569.00, तो परली साइड के जोड़ा पानी है वह है 56,260 क्यूसिक, तो थले डाउन स्ट्रीम वाली साइड का जोड़ा पानी निकलता पाया अखराज हों पे उधर गेज हैगी 565.70, तो अखराज जोड़ा पानी है बहता पिया है, ये उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक जी मेरे तक पहुंची वो हैगी 43,095 क्यूसिक अखराज हों पे पानी का। इस तरीके बाकी जोड़ा पानी है वह तीन नहर चाहे छड़ा पाया जोड़ा बढ़ता पाया सादकी फोरट तो पाकबदन में पाकबदला आ जाने दरिया सतलुज के अगे आता हैड इस्लाम उतों की जी पानी की पोजिशन है उतों की गेज दसती है 454.00 अपस्ट्रीम वाली साइड से, तो जोड़ा पानी अपस्ट्रीम वाली साइड से जमा हों पे हों 37,769 क्यूसिक। इस तरीके थले आप डाउन स्ट्रीम वाली साइड से चले जाने थले वाले पास तो गेज है 443.70, तो पानी का खराज है 35,786, बाकी पानी जो उतु मौजूदा नहर या कनाला निकलिया हुई उन्होंने जा रहा है। तो दोस्तों यगी सी अज की रिपोर्ट, तो नाल मैं अपने वीर भरावान दसदा चला भी सूरत हाल हिंदुस्तान वाली साइड से कोई चंगी नहीं हैगी, उन्हों का सोशल मीडिया मीडिया बार बार कहता भी है भी हिमाचल प्रदेश दियां बारिशां रुकदियां नहीं पईयां, पोंग डैम मलाना डैम ये सारे भरे गए हैं, तो जिहड़ा बाखड़ा डैम है जिहदा सब तो ज़्यादा सानू खतरा है उन्होंने भी खतरा है, वह जो लेवल पहुँच चुका जे 1671 अज की डेट के, तो अज मेरा ख्याल तारीख हैगी है 13 अगस्त, तो उन्हों का कहना है उन्होंने इंतजामिया का कहना है जदों 1672 आएगा तो मजीद वो स्पैल खोलन तो मजबूर हो जाएंगे, तो वो उन्होंने जोड़ा चढ़ता पंजाब है उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, तो ये पानी जनाब लेंदे पंजाब नूं अपने वाल भी ज़्यादा नुकसान होगा। इस वास्ते जो मैं अपने वीर भरा दसना चाहना वो है भी जिन्हें भी वीर भरा खम्मा डिगदियां पईयां ने, तो जिन्हें भी दरा दरिया के है जिन्हों के सज्जे खब्बे पानी लंघता पिया वो कोशिश कर, जिस तरीके दराज के वाले दोस्त है बड़ी मजबूरी ना नवें नवें उन्हें घर बनाए हुए सन बड़ी मेहनत नाल, तो बेचारे छत्तां पट के ते टी आर गार्डर जो चीज़ भी उन्होंने हथी आँदी पी है वो कट के बेचारे ले जाते पे ने, तो अगले जोड़े 15 दिन है इंडियन मीडिया के मुताबिक वो बड़े खतरनाक ने, तो अगर वो पानी छड़ते हैं तो चढ़ते पंजाब के नाल नाल लेंदे पंजाब वाले भी खतरा है। तो बाकी मेरी अपने वीर भरावान मिन्नत भी है तो वो ये है भी जिन्ना मुमकिन हो सके अपने अपने जरूरी समान लैके जानवर अपन जाना हिफाजती मकामा वाली साइड से चले जाओ ताकि किसी वे हादसे तो बचा जा सके, ये हैगी चीज़ी अज की रिपोर्ट, इंशाल्लाह ताला कोशिश करा जो ही कोई खुदा न खासा पानी उधरों हिसाब ही आता है अगर डर पैंता है भी ये लाजमी दसना है, तो फिर मैं जो भी स्पैल खुले हिंदुस्तान वालों बाखड़ा डैम दे तो मैं अपने वीर भरावान रिपोर्ट देवगा तो दसागा फौरन ताकि जोड़े लोग उत्थे बैठे ने उन्हें तक पानी या बल्कि हैड सुलेमान तक पानी उतों जो हरी कैड तो खुलेंगे तो तकरीबन 2-3 दिन तक इतने पहुँच जाएगा, अगर पानी की मकदार ज़्यादा होंगी है तो पानी पहले भी पहुँच सकता है। इस वास्ते कोशिश करो सारे वीर भरा हिफाजती मकामात वाली साइड से जावन, आओ हम मैं तुम थोड़ा जहा इतों का लाइव हिसाब किताब विखा लवा, आ साडे आ मियाँ साहब आ खम डिगी है आ डिगण वाली, तो जिमें एक खम डिगदी है ना 5 तो 7 फुट अगर त्रेड़ पै जाती है, हम त्रेड़े तो पिछे रहो मेहरबानी, तो यह वेखो आओ जाती पीजे वेख लो अंदाजा ला लो भी
बहुत मंदा हाल है। तो जेडे दोस्त खास करके खबर सुनते हैं उस लिखा होंगे भी आबी जारी तो हो गई है तो सैलाब हो गया घाट है, उन्होंने चाहिए भी एक बार जिथे यह मामला है जिथे दरिया सट्टा लाई खड़ा है या डामा लाई खड़ा है इतों का विजिट कर इतों वेखन भी लोग इतों के किन्ने औखे है किनिया मुश्किलात है। आ सामने तुम वेख सकते हो भी नवे मकान लखा रुपये लाते समझ लो भी पाँच दस साल की मेहनत तो बाद इस तरह के पिंड थान मकान बनाए जाते हैं। तो जेड़े आ जनाब मियाँ साहब इतने मैं ऐड करता जावा जरूरी है जी मेरी गल हुई है ना इतने आप यार वीडियो गल की वो बजुर्ग कहते पे सन जी 88 वाला नुकसान वो कौन ही नुकसान से कहें उदों है सन कच्चिया जुगिया एवं ना जी आज जी बजुर्ग कहो कहते जी कच्चिया जुगिया या माल जी वो लैके हाँ लग जाए तो कच्ची जुगी जी बन भी जाती है हूँ जी जो लख रुपये लगे पे लखा करोड़ा रुपया 18 करोड़ रुपया इस पिंड की इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 18 करोड़ जो उन्होंने तकमीना दिता है। आ डिगू जी वेख सकते हो सामने की हाल हों भी है। तो मियाँ साहब मैं एक होर दसता जावा दसते पे सन कि रात में जो कोई कमरा डिगदा है ना तो कहते ने भी मतलब इन्नी जिमें बम को धमाका होंगे इन्नी आवाज़ आती है तो धमाके की तो लोग जो उठ जाते बल्कि वहाँ नींदर तो साड़ी वैसे ही आराम हुई पी है। ऐ वेखो मियाँ साहब देख सकते हो कम अज कम मिनट सैकेंडा इन्हें हूँ थले चला जाना है जो हार सू नज़र आते पे ने जो दरिया है इन्हें जनाब सीधा दाह लाई हुई है पिछे वो जी बिल्कुल इंज लगता जिम्मे कोई 40-50 फुट गहरे चली गई जिम्मे कोई पहाड़ा तू पहाड़ी डिगदी है कहते पे ने जेड़ा भी कमरा डिगदा है ना जी उस तो बाद गायब हो जाता है जेड़ा दरख्त डिगदा है उस तो बाद उनकी एक टाणी नजर नहीं आती भी इन्ना थले गहराई च पानी है। असं जो है उस वे दीवार भी डिगी है तो हूँ मियाँ साहब चेक करो बल्कि परसों असं आए हैं तो इनके भी कमरे है सर सारी जगह जितने हम पानी चलता पी है ये बिल्कुल महफूज लगती सी बी जिस तरीके ए जमीन नज़र आती भी होगी इन्होंने कमर इस तरीके हैगी लेकिन पानी का बहाव तो दरियाओ का जोड़ा जमीन उन्हें कटाव शुरू किया वै बहुत ही खतरनाक है कि अल्लाह तला इस अजाब तो बचावे तो जिन्हें भी साढ़े वेखन वाले है वीर भरा वो अपने इन्होंने वीर के नाल आ के मोढ़े ना मोढ़ा लावन ताकि इस औखे वेले हर बंदा दूसरे इंसान का मददगार हो इस मुसीबत मोढ़े ना मोढ़ा लाइए ताकि उन्होंने ये जी मुसीबत उन्होंने घट तो घट जी है ना हो जाए तो अल्लाह ताला करम करे साढ़े तो सारे मुसलमान भाइयों से इस मुसीबत तो रब जान छुड़ावे। तो हूँ मैं अपने वीर भरावों से लेना इजाजत तुहाड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अब्दुल बट्टू अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।